हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे अपाची RTR 204V। ये रेसिंग एडिशन है। कंपनी ने इसमें कई न्यू बदलाव किए हैं, जैसे कि हमें इसमें मिलता है स्लीपर क्लच, विंडस्क्रीन और न्यू ग्राफिक्स। इसका प्राइस कंपनी ने 2 से 2500 रुपये महंगा करा है। अगर इसके लुक्स की बात करें तो ये न्यू लुक्स में काफ़ी अच्छी लगती है। पुरानी RTR के मुकाबले इसका जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अट्रैक्टिव और लुकिंग हमें दिखते हैं। पहले हमें पुरानी RTR 204V के अंदर विंडशील्ड नहीं मिलती थी। इसके अंदर हमें कंपनी ने स्टैंडर्ड ही कार्बोरेटर से विंडशील्ड दी है, जिससे कि हम विंड ब्लास्ट से बच सकते हैं। कंपनी ने इसके अंदर हमें एंटी रिवर्स टॉर्क स्लिपर क्लच दिया है। ये अपनी सेगमेंट में पहला स्लिपर क्लच आता है। इससे पहले किसी भी 200cc बाइक के अंदर स्लिपर क्लच नहीं मिलता। स्लिपर क्लच के ये फायदे हैं कि इसकी गियर स्मूथ हो जाते हैं। जैसे ही हम डाउन शिफ्ट करते हैं तो जो हमें जर्क लगता है वो 22% रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इस बाइक के सिटिंग पोस्चर की बात करें तो इसकी सिटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है और मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकता हूं। इस बाइक की सिटिंग हाइट है 800 mm, जो कि NS से थोड़ी सी कम है। इससे ये फ़ायदा होगा कि शॉर्ट हाइट के बंदों को बैठने में काफ़ी आसानी होगी। और आप साइड से लुक देख सकते हैं, इसका जो स्पोर्टी एग्रेसिव लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें हमारे बैक में पेन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इस बंदे की हाइट 5'8" के अप्रोक्स है और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकता है। इसके जो पैर हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ज़मीन पर आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस बाइक को हैंडल कर सकता है। नहीं इसके कोई बैक में पेन होगा, क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है। तो आइए तो हम इसकी टेस्ट राइड लेते हैं कि बाहर ये कैसा परफॉर्म करती है। बाइक देखने में काफ़ी अच्छी है और इसके लुकिंग काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर माइलेज की बात करें तो इसमें हमें माइलेज मिलता है कार्बोरेटर वेरिएंट के अंदर 35 से 40 के अप्रॉक्स। और FI की वर्जन की बात करें तो उसका माइलेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 42 के अप्रॉक्स में मिल जाता है। स्लीपर क्लच की बात करें तो कंपनी पहले इसमें वेट मल्टीप्लेट क्लच देती थी, इसको अपग्रेड करके रेसिंग एडिशन के अंदर स्लीपर क्लच दिया है, जिसको हम एंटी रिवर्स टॉर्क के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो कंपनी ने इसका इंजन सेम रखा गया है, 200cc का 20.01 PS की पावर जनरेट करता है और 80 Nm टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इसके ग्राफिक्स पर काफ़ी ध्यान दिया है। इसके ग्राफिक्स रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छे लगते हैं। हमें इसमें स्टिकर भी, जैसे कि हम TVS का लोगो देखते हैं हॉर्स, वो काफ़ी अच्छा लगता है, फरारी से इंस्पायर्ड है। और इस बाइक की ऑल ओवर स्पेसिफिकेशन सेम रखी गई है, जैसे कि फ्रंट टायर का साइज 90x97 इंचेस और रियर टायर की बात करें तो 130x90 का 70 इंच का टायर मिलता है। इसमें हमें प्रेली टायर्स ऑप्शन में मिलते हैं। आइए तो हम इसकी टॉप स्पीड देखते हैं कि ये न्यू बाइक है तो इसकी टॉप स्पीड कमी होगी, क्योंकि ये शोरूम से ही निकली है जस्ट। और पिलियन के साथ इसकी टॉप स्पीड मैक्सिमम 111 ही होगी। न्यू बाइक की टॉप स्पीड कम ही होती है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज शुरुआत में कम ही आता है बाइक के अंदर, तो शुरुआती एवरेज जो होगा इसका 30 से 35 के अप्रोक्स होगा। फिर बाद में हम जैसे सर्विस कराते रहेंगे ऐसे ही इसका एवरेज इंक्रीज होता रहेगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इसकी टॉप स्पीड है वो 111 ही है। अब बात करते हैं हम इसके 0-60 टाइम की। ये 0-60 टाइम कितना लेती है, क्या है हमने मीटर सेट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका 0-60 टाइम है 4.1, कंपनी क्लेम करती है 3.9 सेकेंड। क्यों भाई कहते हैं, इसके जो 0-60 टाइम है वो थोड़ा ज्यादा है। हम बात करते हैं पिलियन की। इसमें जो पिलियन की सीट है वो काफी कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल राइड हम कर सकते हैं लॉन्ग रूट के लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे RTR 204V लेनी चाहिए या फिर NS 200,
तो मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बताता हूँ कि हमें RTR 204V क्यों लेनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ABS बहुत कंपलसरी है, तो इसमें हमें डुअल चैनल ABS मिलता है, जबकि हमें NS 200 के अंदर सिंगल चैनल ABS मिलता है। और अब इसमें न्यू फीचर्स आ गया सिंपल क्लच का, वो काफ़ी अच्छा है, और जबकि हमें NS के अंदर सिंपल क्लच नहीं मिलता है। तो इसमें हमें बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, NS 200 के अंदर में भी अच्छी मिलती है, पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बाइक के टायर्स की बात करें तो हमें इसके अंदर प्रेली टायर्स मिलता है। अगर आपको ओनर प्राइस जानना है तो अपने सिटी का नाम और उस वेरिएंट का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको सभी ओनर प्राइस बताऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं n.itidot.n से, उस पर मैं लेटेस्ट प्राइस लिस्ट अपडेट करता रहता हूँ। जैसे ही मुझे कंपनी से कोई नई न्यू प्राइस लिस्ट मिलती है, मैं ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, जिससे को आपको हेल्पफुल होगा, और मैं प्राइस लिस्ट कम्युनिटी टैब के अंदर भी डालता हूँ। हमें कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगली वीडियो किस बाइक्स के ऊपर, कार्स के ऊपर या फिर किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं।